Assalamualaikum guys, तो कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है रेहान और भाई आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं Vivo V25 5G को। बेसिकली Vivo कंपनी Vivo V25 सीरीज को इंडियन मार्केट में आज के दिन लॉन्च करने वाली है। और भाई इंडियन मार्केट के अंदर Vivo V25 सीरीज के अंदर तीन स्मार्टफोन लॉन्च होने वाले हैं। पहला Vivo V25e होगा, दूसरा Vivo V25 5G होगा और तीसरा Vivo V25 Pro 5G होगा। ये तीन स्मार्टफोन जो है वो आज के दिन इंडियन मार्केट में लॉन्च होने वाले हैं। और पाकिस्तानी मार्केट में Vivo V25 सीरीज के दो ही स्मार्टफोन लॉन्च किए जाएंगे, Vivo V25e एंड Vivo V25 5G, जो कि बहुत जल्द हमें पाकिस्तानी मार्केट में देखने को मिलने वाले हैं। और इस वीडियो के अंदर आप लोगों के लिए खुशखबरी है, तो भाई काइंडली वीडियो को एंड तक जरूर से देखिएगा। खैर जान लेते हैं कि भाई Vivo V25 के अंदर क्या कुछ देखने को मिलता है, कैसा ये फोन होने वाला है, कब आने वाला है, ये सारा कुछ इसी वीडियो में बताने वाला हूं। वीडियो पसंद आए लाइक जरूर कीजिएगा, अगर आप लोग सुनना चाहते हैं खुशखबरी तो भाई लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और भाई चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके गाइस, सबसे पहले मैं डिस्कस करना चाहूंगा डिस्प्ले को। तो भाई यहां पर आप लोगों को Vivo की V लाइनअप सीरीज जैसा ही डिस्प्ले देखने को मिलेगा, जो कि Vivo S1 के दौर से चलता हुआ आ रहा है। और भाई इस स्मार्टफोन के अंदर भी आप लोगों को वही सेम डिस्प्ले प्रोवाइड किया गया है, यानी कि 6.44 इंचेस का एक एमुलेट डिस्प्ले दिया जाएगा विद फुल HD+ रेजोल्यूशन। 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट होगा, कोई प्रोटेक्शन देखने को नहीं मिलेगी। हो सकता है कि भाई प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर दे, लेकिन अभी मेंशन नहीं है, लेकिन फिलहाल यही लेकर चलो कि भाई कोई प्रोटेक्शन नहीं होने वाली। एंड भाई नोच डिस्प्ले के साथ 50 मेगापिक्सल की सेल्फी मिलेगी, जिसकी मदद से आप लोग 1080p में वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। सो ओवरऑल अगर मैं डिस्प्ले की बात करूं तो भाई डिस्प्ले में कुछ भी इंप्रूव नहीं किया गया, सेम वही डिस्प्ले यहां पर उठाकर चिपका दिया गया है, जो कि रिसेंटली Vivo V23 5G के अंदर आया था, वही सेम डिस्प्ले यहां पर भी हमें देखने को मिलता है। कुछ भी इंप्रूव नहीं किया गया, एटलीस्ट 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट होना चाहिए था, 5 होल वाला डिस्प्ले होना चाहिए था, डिस्प्ले का साइज चेंज होना चाहिए था, लेकिन कुछ भी इंप्रूव नहीं किया गया, सेम वही डिस्प्ले उठाकर चिपका दिया गया है, जो कि काफी ज्यादा बुरी चीज बन जाती है। डिजाइन के हवाले से बात करते हैं, स्मार्टफोन की बैक ग्लास की है और भाई अच्छी बात है कि भाई स्मार्टफोन की बैक पर भी आप लोगों को कलर चेंज होते हुए नजर आएंगे, जिस तरह आप लोगों को Vivo V23 5G में देखने को मिले हैं, उसी तरह स्मार्टफोन का बैक डिजाइन भी कलर चेंज करेगा। आप लोग अपनी मर्जी से कोई भी इमेज वगैरह जो है ना वो स्मार्टफोन के बैक पर डिजाइन कर सकते हैं, कुछ उसी तरह का भाई डिजाइन भी यहां पर प्रोवाइड किया गया है, जो कि अच्छी बात बन जाती है, लेकिन कुछ नया करना चाहिए था। आप लोग क्या कहते हैं, लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। यार मैंने वीडियो के स्टार्ट में कहा था कि यार इस वीडियो के अंदर आप लोगों के लिए खुशखबरी है, खुशखबरी यह है कि भाई इंपोर्ट जो है वो अनबैन हो चुकी है। नेक्स्ट मंथ से हमें पाकिस्तानी मार्केट में नए मॉडल जो है वो लॉन्च होते हुए नजर आएंगे, और जो पुराने स्टॉक पड़े हुए हैं उनकी प्राइसेस भी कम हो जाएंगी और साथ में वो भी मॉडल जो है वो नए आने शुरू हो जाएंगे। तो ये चीज मुझे सुनकर काफी ज्यादा अच्छा लगा। तो भाई नेक्स्ट मंथ से आप लोगों को बहुत ज्यादा नेक्स्ट लेवल कंटेंट देखने को मिलने वाला है चैनल के ऊपर, अनबॉक्सिंग टेस्टिंग वगैरह होने वाली है, तो भाई चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब जरूर करना है। डिस्प्ले ठीक ठाक होने वाला है, डिजाइन अच्छा होने वाला है। अब बात करते हैं बैक कैमराज की, तो स्मार्टफोन की बैक पर ट्रिपल कैमराज का सेटअप दिया जाएगा, लेकिन जो कैमराज का लेआउट है ना उसको चेंज किया गया है। बाकी इसके अंदर जो कैमरा लगाए गए हैं वो सेम वही है जो Vivo V20 के अंदर लगाए गए, Vivo V21e के अंदर लगाए गए, फिर Vivo V23e के अंदर लगाए गए, सेम वही कैमराज यहां पर भी यूज किए गए हैं। 64 मेगापिक्सल का मेन सेंसर होगा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर होगा, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर दिया जाएगा और आप लोग स्मार्टफोन के बैक कैमरे की मदद से 4K में वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। कम अज कम यहां पर कैमराज के अंदर इंप्रूवमेंट करनी चाहिए थी, आप लोग क्या कहते हैं, लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। क्या सिर्फ कैमराज को इंप्रूव नहीं करना, डिस्प्ले को भी इंप्रूव करना है, सिर्फ डिजाइन को इंप्रूव किया गया है, बाकी आप लोगों को जो स्पेसिफिकेशन अभी तक मैंने जो बताई है वो आप लोगों को सेम वैसे ही देखने को मिल रही है जो पिछले मॉडल में देखने को मिली थी। इसके अलावा गाइस ये स्मार्टफोन आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 12 के साथ आएगा, फ्रंट टच ओएस 12 देखने को मिलेगा, जो कि Vivo की तरफ से आने वाला एक लेटेस्ट UI है। चिपसेट की बात करूं तो चिपसेट इज मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, यहां पर आप लोगों को MediaTek Dimensity 900 देखने को मिलेगा, जो कि परफॉर्मेंस के लिहाज से काफी ज्यादा अच्छा चिपसेट है, यानी कि इस चिपसेट को इस स्मार्टफोन के साथ काफी अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज किया गया है। पबजी के अंदर आप लोगों को 60 FPS देखने को मिलेंगे, कैमराज की क्वालिटी जो है वो इस चिपसेट के साथ आप लोगों को काफी ज्यादा अच्छी देखने को मिलेगी। तो भाई चिपसेट के लिहाज से कोई कमी नहीं है, चिपसेट जो है वो यहां पर काफी ज्यादा अच्छा प्रोवाइड किया गया है। और अच्छी बात है कि भाई ये एक 5G चिपसेट है। मेमोरी वेरिएंट को लेकर बात करूं तो भाई स्मार्टफोन का एक ही वेरिएंट आएगा, जिसमें आपको 8GB रैम और 128GB की रोम देखने को मिलेगी। इसी के साथ डुअल सिम का स्लॉट भी होगा, लेकिन यहां पर आपको एसडी कार्ड का स्लॉट देखने को मिलेगा या फिर नहीं, स्टिल इसके बारे में कोई भी कंफर्मेशन नहीं है। फिंगरप्रिंट स्कैनर की बात करूं तो स्मार्टफोन में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ फेस अनलॉक का ऑप्शन भी प्रोवाइड किया जाएगा। और गाइस लास्ट में बात करते हैं बैटरी की, तो ये स्मार्टफोन टाइप सी के साथ आएगा, 4500mAh की बैटरी है, जिसके साथ 44W की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी दिया जाएगा और ये स्मार्टफोन विद इन 1 और 0 to 100 फुल हो जाएगा। और भाई 66W की जो फास्ट चार्जिंग आ रही है वो Vivo V25 Pro के अंदर आ रही है, Vivo V25 5G के अंदर आप लोगों को सिर्फ 44W की ही फास्ट चार्जिंग मिलेगी, यानी कि ये स्मार्टफोन 1 घंटे के अंदर 0 to 100 फुल हो जाएगा। सो ओवरऑल स्पेसिफिकेशन के लिहाज से देखा जाए तो स्पेसिफिकेशन के लिहाज से ये स्मार्टफोन जो है वो अच्छा होने वाला है। कुछ चीजें अच्छी हैं, लेकिन कुछ चीजों को इंप्रूव करना चाहिए था, जो कि Vivo ने नहीं की।
बाकी गाइस देखते हैं कि वीवो कब तक यही सेम डिस्प्ले लेके चलता है और भाई यही सेम कैमरास प्रोवाइड करता है। कभी ना कभी तो इम्प्रूव करेगा, जब इम्प्रूव करेगा तो भाई हम अप्रिशिएट करेंगे, लेकिन फिलहाल मैं अप्रिशिएट नहीं कर रहा। खैर प्राइस के हवाले से बात करूं तो भाई प्राइस के हवाले से अभी कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन एक्सपेक्टेड ये स्मार्टफोन पाकिस्तानी मार्केट में कुछ 90-95 हज़ार की प्राइस में लॉन्च किया जाएगा। ये काफ़ी ज़्यादा प्राइस है, अगर 70-80 हज़ार की प्राइस में आता तो भाई समझ आती, लेकिन 90-95 हज़ार रुपये जो है ना वो ओवर प्राइस हो जाती है। और भाई डॉलर जो है वो आप लोगों को पता है कहाँ जा रहा है, उसकी वजह से ये सारा का सारा काम तो होगा ही होगा। ओवर प्राइस ही ये स्मार्टफोन जो है वो पाकिस्तानी मार्केट के अंदर लॉन्च किया जाएगा। लॉन्च डेट के हवाले से बात करूँ तो भाई इंपोर्ट जो है वो अनबैन हो चुकी है। नेक्स्ट मंथ से हमें बहुत सारे स्मार्टफोन पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च होते हुए नजर आएंगे, जिसमें बहुत सारे और भी ब्रांड होंगे। वीवो V25e भी होगा और वीवो V25 भी लॉन्च होगा। जैसे ये स्मार्टफोन ऑफलाइन मार्केट में आएंगे तो अनबॉक्सिंग मिल जाएगी, तो भाई आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। उम्मीद करता हूं गाइस आज की वीडियो आप लोगों को काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भाई को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।